व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं, यही सच है। इन पेपर्स को पहचानती हो तुमने हरिका? ये ले, ये है तुम्हारा हक, संभालो इसे। ये वही पेपर्स है न्यायिका, जो तुमने शिवम को अपना खोया हुआ सिंदूर समझकर उसके नाम कर दिए थे, और ये पेपर्स शिवम ने मुझे दे दिए। तुम्हारे चेहरे पर जो इतने सारे सवाल हैं न्यायिका, मैं अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं, और मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। मेरी एक गलती की वजह से तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था न्यायिका, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद, हमारे एसेट, सब कुछ। और तुमने मुझे उस गलती का ताना भी दिया था। तो क्या है ना निहारिका, कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। एक गलती तुमसे भी हुई है, और उस एक गलती की वजह से मैंने अपनी सारी जायदाद तुमसे वापस छीन ली। क्या हुआ निहारिका, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, या फिर तुम विश्वास करना नहीं चाहती हो? टू बी वेरी फ्रैंक, विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था अपनी अच्छी किस्मत पर, कि अपने आप को इतना चालाक और होशियार समझने वाली निहारिका एक अनजान और गैर इंसान पर इतना विश्वास कैसे कर सकती है। और तुमने तो उस पर विश्वास ही नहीं किया, बल्कि उसे अपना खोया हुआ पति समझ लिया, और उसे अपना पति समझकर अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। नहीं निहारिका, शिवम रुद्र नहीं है, शिवम तो वो मोरा है जो तुम्हारी बिछाई हुई बिसात पर मैंने अपनी जीत के लिए चलाया था। और देखो, मैं जीत, मैं जीत, मैं जीत, मैं जीत, मैं जीत, मैं जीत, एंड शिवम हैज डन अ ग्रेट जॉब, आई एम प्राउड ऑफ हिम। कितनी आसानी से उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया और मेरा काम इतना आसान कर दिया। कुदरत का एक नियम है निहारिका, कि जो लोग एक बार इस दुनिया से चले जाते हैं वो इस दुनिया में वापस नहीं आते। तो फिर तुमने कैसे मान लिया कि तुम्हारा रुद्र शिवम बनकर वापस आ गया? कितनी अजीब सी बात है, दूसरों को जाल में फंसाने वाली निहारिका खुद दूसरों के जाल में इतनी आसानी से फंस गए। मैंने अपना सब कुछ तुमसे वापस छीन लिया है निहारिका, सब कुछ वापस छीन लिया है। तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने हम सबको, हमारे पूरे परिवार को बेइज्जत करके हमसे हमारा सब कुछ छीन कर इस घर से धक्के मारकर निकाला था? तुम्हारा तो मुझे पता नहीं निहारिका, लेकिन मैं वो दिन नहीं भूला, एक पल भी, वो बेइज्जती, वो अपमान, वो जिल्लत। लेकिन फिर भी निहारिका, उस वक्त इस घर को छोड़ते वक्त हमारे पास हमारी माँ की तस्वीर थी, भगवान राम और सीता की मूर्ति थी, अपनों का साथ था। लेकिन आज जब मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगा तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा निहारिका, कुछ नहीं। तुम अकेले खाली हाथ इस घर से जाओगे। हाँ, तो तुम्हारे पास अपना कहने के लिए भी कोई नहीं है निहारिका। ये सिंदूर, ये फूलों की सेज, ये सब कुछ झूठ है, एक धोखा है। अब वक्त आ गया निहारिका कि मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार मार कर निकालूंगा, अपनी बेइज्जती, अपने अपमान का बदला लूंगा तुमसे, बदला लूंगा तुमसे, बदला लूंगा तुमसे, बदला लूंगा तुमसे। चलो निहारिका। याद है तुम्हें वो दिन जब तुमने हमें इस घर से निकाला था? बहुत इंतजाम किए थे, बहुत जश्न मनाया था तुमने, याद है तुम्हें? तो मैंने सोचा नहीं कि आज तुम्हारी विदाई में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अंतरिक्ष ने तुम्हारी विदाई में कोई कसर छोड़ी। निहारिका की रायदादा हाउस से विदाई कर देने आज। निहारिका
हारिका की हार का दिन है आज, 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 हार का दिन है आज। बजाओ। जोर से बजाओ। ये वही पेपर है जो तूने शिवम को अपना खोया हुआ सिंदूर समझकर उसके नाम कर दिए थे, और ये पेपर्स शिवम ने मुझे दे दिए, शिवम ने मुझे दे दिए, शिवम ने मुझे दे दिए, शिवम ने मुझे दे दिए। शिवम रुद्र नहीं है, शिवम तो वो मोरा है जो तुम्हारी बिछाई हुई दिशा पर मैंने अपनी जीत के लिए चलाया था, अपनी जीत के लिए चलाया था, अपनी जीत के लिए चलाया था, अपनी जीत के लिए चलाया था। मैंने अपना सब कुछ तुमसे वापस छीन लिया है नियारिका। अब तो तुम्हारे पास अपना कहने के लिए भी कोई नहीं है नियारिका, अपना कहने के लिए भी कोई नहीं है नियारिका, अपना कहने के लिए भी कोई नहीं है, अपना कहने के लिए भी कोई नहीं है। ये सिंदूर, ये फूलों की स्टेज, ये सब कुछ झूठ, देख ठोकर, देख ठोकर, देख ठोकर, देख ठोकर। सारा दिन कुछ खाए पिए बगैर सच्चे दिल से इबादत करना और रात में जाकर मजार पर चादर चढ़ाना। कहते हैं ऐसा किया जाए तो मन्नत और दुआ जरूर कबूल होती है।
मिस्टर अंतरिक्ष राज दादा, आपको आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स पूरे मिल चुके हैं ना, फिर मुझे मेरी कीमत पूरी क्यों नहीं मिली, वजह जान सकता हूँ? अंतरिक्ष रायजादा अपने काम की हमेशा पूरी कीमत अदा करता है। तुम्हें तुम्हारे काम की बाकी रकम बहुत जल्द मिल जाएगी। आपकी नियत पर कोई शक नहीं है मुझे। मैं तो बस जल्द से जल्द अपनी कीमत लेकर अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अब तुम मुझे फोन नहीं करोगे। मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा कि तुम्हें तुम्हारी बाकी रकम कब और कहाँ मिलेगी। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। कभी